यार देखो देखो देश के लिए सर्वाइव बना रखा है, बना रखा है। आप क्यों झूठा केस लगा रही हो उस पे? मैं तो लगाऊंगी। इज्जत से बात कर ले। तूने देश का केस लगाया कि नहीं लगाया ये बताओ मेरे को। राम राम सारे भाइयों को, क्या हाल चाल मेरे भाइयों की। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोग होंगे। भाई आज हम आपके साथ एक हेल्पिंग वीडियो के साथ आए हैं। आज हमारे साथ ये भाई हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है। विक्रम भाई का नाम है। और भाई भाई के बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भाई आप सभी के यूजली बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो भाई के भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रखे थे। तो मैसेज वगैरह मैंने इनके काफ़ी ज़्यादा रीड करे और इन्होंने पूरी कहानी लिखी थी मैसेजों में। भाई इनकी शादी को 1.5 साल के लगभग का कुछ हुआ है और भाई 6 महीने तक इनकी शादी बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रही थी। 6 महीने के बाद भाई इनकी वाइफ को पता नहीं क्या मतलब पागली का दौरा लग गया, पता नहीं क्या हो गया। भाई इनके घर पे जो मम्मी पापा रहते हैं इनके बुजुर्ग, उनको गाली गलौज करना, बड़ी बदतमीजी करना, घर पे कोई काम नहीं करना, आए दिन आवारागर्दी करना, दोस्तों के साथ घूमना, बड़े सारे मतलब जो इन्होंने मेरे को बताया मतलब ये सारी चीज़ें आप खुद सोच सकते हो कि आपने लव मैरिज करी थी भाई। लव मैरिज करी थी भाई विक्रम भाई ने। तो लव मैरिज का भाई ये मतलब नहीं होता कि वाइफ आएगी तो अपनी चलाएगी, इनके मम्मी पापा को गालियाँ देंगी, उल्टी सीधी गालियाँ देंगी, खाना मुँह पे फेंक देंगी। आप खुद सोच सकते हो कि यार बंदा मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, खाने के लिए तो यार सारे मेहनत करते ना, वही खाना अगर किसी को तैयार मिले तो वो रोटी की थाली को उठा के किसी के मुंह पे मारते, तो आप खुद सोचो कितना खाने का कितना मतलब कोई इज्जत नहीं कर रहा, मतलब समझ रहे हो। जबकि हम पागल ही खाने के लिए मतलब पेट के लिए तो कमा रहे हैं भाई सारे, है ना। तो विक्रम भाई ने अब सारी बातें तो मेरे को बता दी। विक्रम भाई आप अपने हमारे व्यूवर्स को भी बता दो कि कैसे क्या सिचुएशन स्टार्ट हुई। जैसे हमारे ना 3 महीने हुआ था मेरे रिलेशनशिप में, हम बहुत अच्छा अटैच हो गए थे, बहुत प्यार हमारे बीच में था। हाँ जी। फिर हमने अपने घर वालों में बात करी, घर वाले भी राजी थे लड़की से, मतलब अच्छा बिहेवियर था इसका उस टाइम। अच्छा। 6 महीने बाद, 6 महीने हमारी शादी हुई। शादी के 6 महीने बाद जैसे हमारी बात बढ़ने लगी, एक लड़ाई हुई। एक लड़ाई के पीछे ना बहुत कलेश, मतलब वो चेंज होने लगी उस टाइम से। फिर अच्छा मेरे घर वालों से भी लड़ने लगी, मेरे से लड़ने लगी। फिर एक टाइम आया कि मुझसे अलग ही हो गई। अच्छा। और जैसी अलग हुई तो मेरे फ्रेंड्स बता रहे कि वो क्लब्स व्लब्स में मिल रही हैं, कि नए लड़कों के साथ मिल रही है, घूमती फिर रही है। जब मैंने उसको कॉल करा तो ऑब्जेक्शन उठाने लगी, मुझसे पैसे मांगती थी, तब तो मैं दे देता था, लेकिन मेरे पास जब पैसे नहीं हुए तो उसने मेरे पर झूठा केस लगाने का वो लगाया, मतलब झूठा देश का केस लगाने का आरोप लगाया। तुम केस लगा दूंगी और तुम्हारे घर वाले मेरे पे बहुत अत्याचार करते हैं वैसे, जबकि गालियां वही देती है आपके मम्मी पापा को। मेरी मम्मी पापा पे ऐसे करती है कि खाना वाना फेंक देती है मुंह पे। अच्छा। कभी भी मेरी मम्मी पे थप्पड़ पर मार रखा है, हाथ हाथ छोड़ रखा है, मतलब तो ऑब्जेक्शन भी उठाया तो उसका भाई आता है, उसका भाई आके बहुत बोलता है मेरे को, ठीक है, फोन पे धमकियां देता है, मतलब उसको कोई वो नहीं है, सब पैसे मांगते हैं उसके घर वाले भी, मतलब ऐसे मिले हुए जैसे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी आप अपनी वाइफ को यहाँ पे टाइम आपने दिया है, अभी तक आपकी वाइफ आई नहीं, तो आप एक बार फ़ोन करके बुला लोगे? जी बिल्कुल, आप एक फ़ोन करो भाई, फ़ोन करते हैं इनकी वाइफ को। जैसे हमने आपने सबने ये बात सुन ली तो भाई ज़रूर बुरी लगती है सारी चीज़ें यार, अच्छी नहीं होती। बाकी भाई वीडियो को एंड तक देख रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, और कोई भी आपके पास आसपास नीडी बंदा हो जिसको हेल्प की ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प कर दिया करो भाई, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं रह जानी है, एक इंसानियत नाम की चीज़ ही आपके काम आएगी भाई। हेलो 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 प्रेरणा, हाँ कहाँ पर हो? मैं पार्क में वेट कर रहा था तुम्हारे 2 घंटे से। अबे तेरे को समझ नहीं आती है क्या? आ रहे हो ना, चूके होते हैं। नहीं मेरे को कहीं जाना था ना जरूरी काम से, मैंने 2 घंटे से पहले। वहीं बैठ के मर बाप ने, आ रही हूँ, रुक जा, फोन मत कर बार बार, अब आना नहीं चाहिए फोन। देख लो यार जल्दी। हाँ ठीक है। भाई फ़ोन पे भी इतनी बदतमीजी से बात करी तो सही कह रहे होंगे भाई के, भाई मम्मी पापा को गालियां देना, इनको गालियां देना। तो भाई मैं आपको माइक वगैरह दे देता हूँ, कैमरा हमारा लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम रंगे हाथों पकड़ेंगे जो भी वो चीज़ें कर रही है आज, ठीक है भाई। भाई आप वीडियो को एंड तक देखना, हम आपको मिलेंगे वीडियो के एंड में। हाँ भाई, यहाँ पर क्यों बुलाया मेरे को? मुझे बात करनी थी। क्या बात करनी है? बात करनी थी। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जो यहाँ पर आए हो। देखो यार हाथ मारो मत, मैं आराम से, हम आराम से बात करने आए, इसलिए मेरे को कोई बात नहीं करनी। तुम मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहे थे और तुम्हें पैसे देने। इतना टाइम नहीं है, मेरे को पैसे चाहिए। मेरे पास कोई पैसे है नहीं। जब मेरे पास होते, दहेज का केस लगाऊंगी। जब मेरे पास होते थे मैं तुम्हें पहले दे देता था। नहीं, मेरे को सिर्फ पैसे से मतलब। मैं तो तुमसे दहेज लिया भी नहीं, मतलब तुम दहेज का केस लगाने की बात करो। नहीं, मैं दहेज का केस लगाऊंगी। ऐसा क्या होगा, किसी ने तुम्हें भड़काया या फिर मतलब आराम से बात। मैं जानती हूं, तुम जानते हो, मेरे को नहीं पता, पैसे दे रहे हो तो पैसे तो दे, तो मैं केस लगाऊंगी। झूठा झूठा तुम मेरे को मारते हो, टॉर्चर करते हो, तुम्हारे घर वाले सारे मेरे पे टॉर्चर करते हैं। ऐसा ऐसा हमारे बीच में तो हुआ भी नहीं था, मतलब क्यों? तुम्हें पता है, मेरे को पता है, बट उनको नहीं पता ना। ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो देखो, आराम से बात कर लेते हैं, आराम से बात कर लेते हैं। दहेज का केस लगा दूंगी तो पैसे चाहिए मेरे को। पैसे पैसे तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं पता। फिर मैं केस करूंगी। यार तुम्हें क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। तुम पहले बता दो मेरे को, अगर किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ तो अगर बोला। अगर तुम्हें अगर कुछ डिवोर्स चाहिए तो डिवोर्स भी दे दूंगा, लेकिन मेरे घर वालों को तंग मत करो। तुम्हारा भाई भी मेरे को तुम्हारे फोन पे, मेरे तुम्हारा भाई भी मुझे तंग कर रहा है। क्यों क्यों क्यों
तो क्यों करेगा यार, मतलब हमने तो कुछ खबर नहीं, नहीं तो मैं जानती हूँ वो नहीं जानती यार, मैं केस करूंगी, नहीं तो मेरे को पैसे दे दो, केस नहीं, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास जब थे तुम्हारे नीड पूरी करता था, नहीं पता मेरे पास अभी पैसे है भी नहीं, मतलब मैं दहेज का केस करने चले जाऊंगी वरना जी। यार देखो प्लीज आराम से बात करते हो, मेरे देखो तुम्हें पता ही है मेरी घर की हालत कैसी होगी, तुम्हारी सारी नीड पूरी करके मैंने अपने सारे गोल्ड बेच दिया, जो भी था जो भी मेरी सेविंग्स थी मैं सारी तुम्हें दे देता था, मैं अपनी सैलरी तुम्हें दे रहा हूँ, मैं देखो मैं अपने घर में अकेलाता हूँ, मेरे मम्मी पापा खामा खा परेशान होते हैं, वो रोते हैं यार, मतलब समझा करो प्लीज, आराम से बात कर लेते हैं, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया था कि इतने दिनों से घर भी नहीं आया, इसलिए फोन करके क्यों मेरे को पैसे दे रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं केस कर दूंगी, केस नहीं हो, मैं केस कर दूंगी, तुम्हारे घर वाले मेरे को मारते हैं, तुम टॉर्च तो मारते हो मेरे को, मैंने तो कभी तुम पे हाथ भी नहीं उठाया, तुम्हें पता है मेरे को पता है, उन्हें नहीं पता, किसको यार, मतलब ये तो झूठा झूठा केस लगाने वाली बात होगी, झूठा केस लगाने वाली बात होगी यार, झूठा केस करूंगी, झूठा केस यार, केस करने की क्या बात है, घर की बात है, घर में रख के आराम से सॉल्व हो सकती है, तुम्हें पैसे चाहिए घर पे आ जाओ आराम से, अपने घर घर पे बैठो आराम से, देखो यार प्लीज आराम से बात हो सकती है यार, ये तेरे को समझ नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो यार, देखो देखो हाथ यार मारो मत, मैं आराम से बात कर सकते हैं, हम बैठ के बात कर सकते हैं, इन सब के लिए बुलाया है मेरे को, बैठ के आराम से बातें करनी है, पैसे दे रहे हो, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मतलब पैसे, मैं झूठा केस करूंगी, केस केस नहीं करना, तभी तो मैंने तुम्हें बुलाया, नहीं यार केस 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 के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं करूंगी, केस नहीं करोगे, पैसे चाहिए मेरे को, पैसे तो मेरे पास है नहीं, देखो हम आराम से बैठ के बात हो सकती है हमारी, आराम से बैठ के बात कर सकते हैं हम, देखो लोग देख रहे हैं, देखो लोग देख रहे हैं, आप आराम से बात कर सकते हैं, प्लीज यार ऐसा नहीं होता है, घर की बात है घर में खत्म करो, मतलब ये झूठा केस लगाने वाली बात तो, मैं पागल दिख रही हूं, इतनी दूर से यहां आई हूं, तेरे समझ नहीं आती, देखो प्लीज आराम से बात कर लो, बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है आराम से बात कर, तू पागल है क्या यार, पहले तो ऐसे तुम थे ही नहीं, एकदम से क्यों चेंज हो रहे हो, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया ये हमें बता, तूने मेरे को टाइम वेस्ट करा है, दो बातें करने के बुलाया मैंने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो क्यों ऐसा, मेरे पास पैसे सारे खत्म हो गए, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई, मेरे को नहीं मतलब इस चीज से यार, प्लीज समझो यार, मेरी समझ नहीं, मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत परेशान है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को यहां बकचोदी करने के लिए नहीं बुलाया तुमने, ठीक है, नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, तेरे पास टाइम है फालतू लोगों के साथ घूमने का, इसको नहीं, तेरे पास टाइम है फालतू लोगों के पास घूमने का, है चूतिया बना रखा है तुमने, इसका चूतिया बना रखा है, इसका चूतिया बना रखा है, इसका चूतिया है वो, यहाँ पे क्यों आप कर रही हो, उसको तू तू करके थप्पड़ मार रही है, मेरे को आप कर रही है, करेगी, तेरा करेक्टर ही तू वाला है, और नहीं तो क्या है, तेरे को शर्म आ रही है, नहीं मैं कोई भी हूँ, मैं कोई भी हूँ, पूछ के बात करूंगा, उसी ने तेरे बाप ने बुला रखा है, पूछ ले उससे, पूछ ले उससे, और नहीं तो किसने बुलाया, भाई है मेरे बड़े, चूतिया क्यों बना रही है, उसको कितना टाइम से बना, और नहीं तो क्या कर रही है तू, क्या कर रही है तू, चिल्ला मत, एक ना थप्पड़ मैं ऐसी तैसी कर दूंगा मैं तेरी, और नहीं तो क्या, तेरे से पूछ के मारूंगा तेरे को, और नहीं तो क्या, तू क्यों मार रही है उसको, नहीं क्यों मार, इसको क्यों मार रही है, ये हमारा मैटर है, हाँ तू घर रह रही है उसके, तू उसके घर रह रही है, वाइफ तू है ना, वो तो नहीं, वाइफ वाला कनेक्शन क्या है ये तो बता, देश के लिए सिर्फ वाइफ बना रखा है, देश के लिए सिर्फ वाइफ बना रखा है, क्यों झूठा केस लगा रही है उस पर, तो तू तो कह रही थी कि सर मेरे को पता है झूठा, सबको पता है झूठा, मेरे को भी पता लग गया कि तू इस पे झूठा केस लगा रही है, मैं तो वहाँ केस करूंगी ना, तुम्हें पता है मुझे उनसे लेना देना नहीं है, तो तू यूँ कह रही है कि इसके मम्मी पापा तेरे को नहीं मारते थे, तू झूठ बोल रही है, हाँ बोलूंगी, और तू दहेज का केस भी झूठा लगा रही है, तेरे को शर्म आ रही है, तेरे मम्मी पापा ने यही संस्कार दे रखे तेरे को, नहीं तेरी माँ को पता है कि तू झूठा केस लगा रही है यहाँ पे, तेरी माँ को फोन करके बुलाओ यहाँ पे, नंबर दे अपनी माँ का, तू सच्ची सावित्री बन रही है ना, तो कर दे अपने माँ को फोन, तेरे में है दम, हाँ ये तो नहीं है झूठा, तू अपने माँ बाप को बुला, तू भी बुला ले यहाँ पे, क्यों तू तो सच्ची है ना, तू सच्ची है ना, ओ तेरे को क्यों बताऊँ, क्यों मेरी माँ लग रही है, तेरी माँ माँ लग रही है, मेरी माँ लग रही है, तेरी इज्जत से आया यहाँ पे, पड़ मार के ना भगा दूंगा तेरे को, यहाँ से झूठा केस लगा रही थी, चूतिया बना रही थी, क्यूज बना रही थी, क्यों मर्जी किसकी होती है पता है तेरे को, मर्जी पता है तेरे को किसकी, इज्जत से बात कर ले, शर्म आ रही है तेरे, शर्म आ रही है तेरे भाई, पकड़ के ना तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, अभी भाई समझ आ रही है, वो देख रही है कैमरा, वो देख रही है कैमरा, सारी तेरी बकचोदियां यहां पे रिकॉर्ड हो रही है, सारी बकचोदी रिकॉर्ड हो रही है तेरी, यहां पे बकवास करी जा रही है, बकवास करी जा रही है, क्या ये कर रही है, क्या है, कौन सा सर, अभी तो बकवास कर रही थी, अभी सर पे आ गई, अभी सर पे आ गई, वो देख कहां छुपा रही है अपना फेस, कोई नहीं देख रहा है यहां पे तेरे को, खुश मत होइयो, कोई बचाने आ जाएगा तेरे को, चिल्लम चिल्लाई अभी तो तेरी निकलेगी नहीं, मेरे को पता है, क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, यहां पे इससे बात कर, कैसे बात कर रही थी, बात कर, कुछ नहीं बोल रहा, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, सॉरी सॉरी, क्या बोल रही थी, क्या बोल रही, तूने दहेज का केस लगाया कि नहीं लगाया ये बताओ मेरे को, क्यों लगाया,
क्यों चूतिया बना रही है? इसके मम्मी पापा तेरे को मारते हैं, तू इसको मार, इसके मम्मी पापा को मारती है? कौन मारता है? मैं मारती। झूठ क्यों बोल रही थी? हैं? केस लगा रही है? कितने का लगा रही है? कितने पैसे मांग चुकी है अभी तक तेरे से? 2.5 लाख रुपए पैसे ले रही है तेरे को? मेरी सारी सेविंग, मेरी माता के सारे, इसकी माँ का नंबर है? नहीं यार, मम्मी पापा, मम्मी को मत बुलाओ। शर्म आ रही है तेरे? घर पे क्या बोल रखा है तूने? घर पे बोल रखा है उनके मम्मी पापा मेरे को मारते हैं। एक और थप्पड़ मारूं तेरे? शर्म आ रही है तेरे? ये सब करते तेरे को शर्म आ रही है? शर्म आ रही है? सॉरी से सब ठीक हो जाएगा सर, उसी के चक्कर में तो तू चुप बैठी है। वो नहीं होता तो तू हम दोनों को कच्चा खा जाती यहाँ पे। नहीं यार, दहेज मांगेगी आज के बाद? नहीं नहीं नहीं, दहेज मांगेगी ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ, पता नहीं क्या कर दूंगा मैं तेरा। समझ आ रही है तेरी? है अब तेरे को इसके साथ रहना है या फिर बाहर आशिकीबाजी करनी है तेरे को? दहेज मांगना है तेरे को? इसकी मम्मी पापा को गालियां देगी? अपनी माँ बाप, अपने माँ बाप को गालियां देती है? तेरे माँ बाप को मैं गालियां दूँ अच्छा लगेगा तेरे को? इसके माँ बाप को क्यों गालियां देती है? तेरे को शर्म आती है? इतनी सी लड़की तू है नहीं, शादी करके गालियां देने शुरू हो गई है? ससुर कौन होता है? बाप, बाप समान होता है? नहीं होता। तूने उसको क्या बना रखा है? कबाड़ी वाला है? सॉरी, ऐसे ऐसे शादी करी है तूने? इससे तेरे को शर्म आ रही है? तेरी मम्मी पापा की इज्जत नहीं कर रही, इससे शादी कर रखी है तूने? तेरे में शर्म है? ऐसा कुछ भी नहीं था। तेरे अपने मम्मी पापा के ऊपर गालियां सुन सकता है तू? नहीं सुन। फिर क्या कर रही है? बात कर इससे, अभी आगे क्या होगा, सिचुएशन कैसे चलाएगी, पूछ उससे। वाइफ तेरी है मेरी है तो तू पूछ। देखो, अगर तुम चाहते हो तो हमारे घर में सही रह सकते हो, मेरे घर वालों को कोई इतराज नहीं है, मतलब तुम सही से रहो। पहले भी हम सही रहते थे, 6 महीने सब जवाब दे दियो, बस इतना बता। 6 महीने भी सब सही चलता रहा था, उससे 3 महीने रिलेशनशिप में भी हम सही थे, बहुत अच्छा था, लेकिन ये सब गलती हो गई। देखो, अपनी गलती मानते हो तो ठीक है, मतलब अगर तुम्हें मेरे से नहीं भी रखनी है तो हम, मैं डिवोर्स देने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को कोई परेशानी। घर बना के रखिए तो फिर घर से गायब हो जा, दोनों में से एक काम कर। मेरे घर में अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स भी दे सकता हूँ, मेरे घर वालों को कोई परेशानी नहीं। करना क्या है, घर बनाना है या फिर गायब होना है? घर बनाना है। घर बनाना है, कल के दिन बच्चे होंगे उनको, उनको भी यही सिखाया कि बड़े होकर दहेज का केस लगाओ? नहीं नहीं नहीं, तेरी बच्ची के साथ कोई ऐसे करे फिर होंगे, तेरे बच्चे नहीं होंगे, तेरे बच्चों के साथ कोई ऐसे करे फिर। सॉरी, मेरे से गलती हो गई। शर्म आ रही है तेरे? कैमरा ऑफ कर दे, सबको पता होना चाहिए ना। नहीं नहीं, गलती हो गई, मैं ठीक से रहूंगी अब, ठीक से रहूंगी अब। शर्म कर ले थोड़ी, और लेके जा भाई इसको। थैंक यू भाई। लेके जा इसको घर, लेके जा। शर्म आ रही है, सुनने में ना आ जाए कोई बात, लेके जा भाई इसको। बेशरम दिख मत जियो आज के बाद मेरे को यहाँ पे, और घर पे कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। और भाई ये वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो को प्लीज़ भाई पॉजिटिव वे में ले लिया करो, और भाई साथ के साथ वीडियो को शेयर जब करते हो ना भाई, मतलब दिल से खुशी होती है कि हमारी मेहनत, ये धूप देख रहे हो, पसीना देख रहे हो, हालत देख रहे हो, कितनी बुरी हो जाती, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो भाई हमारा भी, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ भाई फॉलो कर देना। मैं आपको मिलूँगा किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।